करें ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड के सिस्टम की, तो ब्रह्मांड में जितने सिस्टम होते हैं, जितने निकाय होते हैं, सभी उष्मा गतिकी पर ही निर्धारित होते हैं। ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं, जितने सिस्टम, जितने पदार्थ, जितने चीज़ें होती हैं, वो सभी उष्मा गतिकी पर ही निर्धारित होती हैं। क्या आपको ये मालूम है, मनुष्य एक सिस्टम है, प्याले में रखा हुआ चाय एक सिस्टम होता है, बंद थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय एक सिस्टम होती है, यही नहीं अपितु एक मोटर कार वाहन भी एक सिस्टम ही होते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो वो भी एक सिस्टम है। प्रकृति में आप कह सकते हैं जितने वर्क होते हैं, जितने कार्य होते हैं, सब सिस्टम पर ही आधारित होते हैं। आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की जितने चीज़ें वर्क कार्य करती हैं सब एक सिस्टम है। तो हम लोग इन्हीं सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिस्टम है क्या, निकाय किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तु जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, निकाय कहलाते हैं। निकाय की बात करें तो निकाय तीन प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगत निकाय। एक एक करके जरा इनके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। खुला निकाय, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगत निकाय। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगत निकाय। विलगत निकाय, खुला निकाय क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। बंद निकाय को क्लोज्ड सिस्टम। विलगत निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए इन तीनों सिस्टमों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक रसायन विज्ञान है, हम लोग अध्ययन करते हैं एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का, पदार्थ द्रव्य का हम लोग अध्ययन करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। द्रव्य एवं द्रव्य के मध्य परिवर्तित होने वाले ऊष्मा, तमाम प्रकार के सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवासियो को माना जाता है। फिलहाल लेवासिए रसायन विज्ञान के जनक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलकर रसायन विज्ञान को खड़ा करते हैं, बनाते हैं। और थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है, थर्मो मीन्स होता है उष्मा, डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। अर्थात आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें मोशन एक तरीके से चलायमान गत से, जो उनके मध्य एनर्जी का चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं उष्मा गत की थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा का आदान प्रदान कितना होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, कई सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री के बारे में। फिलहाल हम लोग सिस्टम के बारे में जानते हैं। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगत निकाय। खुला निकाय की बात करें, इनके एक एक डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें, एक ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे खुला निकाय कहते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, हम बोलेंगे आप लिखते जाइए। एक ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे खुला निकाय कहते हैं। राइट, मनुष्य एक खुला निकाय होता है। खुली हुई प्याली में रखी हुई चाय एक खुला निकाय होता है। अर्थात आप कह सकते हैं जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम लोग खुला निकाय कहते हैं। यदि खुला निकाय के बारे में बात करें
तो खुला निकाय एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य एक खुला निकाय होता है। आप देखते होंगे मनुष्य ऊर्जा, हम बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी जरूर क्षीण हो रही है। वायु एक द्रव्य है, सांस बाहर निकाले तो क्या द्रव्य बाहर नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। तो वायु भी एक द्रव्य है। तो मनुष्य द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान करता है। यही बात करें बंध निकाय की, तो बंध निकाय एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कोई फ्लास्क में रखी हुई चाय हो, आप देखते होंगे धीरे धीरे पूरा का पूरा जो फ्लास्क होता है वो हीट हो जाता है, और हीट हो जाता है तो धीरे धीरे उष्मा उसके बाहर निकलती रहती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उन्हें हम लोग बंद निकाय अर्थात आप कह सकते हैं बंद निकाय कहते हैं, उन्हें हम लोग क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं। आपके पास एक पात्र हो, पात्र में आप कोई भी चीज़ हीटेड हो भर कर रख दीजिए, देखेंगे वो जो पात्र होगा धीरे धीरे हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर की जो उष्मा है वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। कह सकते हैं कि जिसमें उष्मा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं, उसे हम लोग बंद निकाय कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अगर यहीं पर बात करें विलगन निकाय, तो इनके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझेंगे। मनुष्य एक खुला निकाय है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया मनुष्य के अंदर से द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। बात किया जाए बंद निकाय की, क्लोज्ड सिस्टम की, तो बंद फ्लास्क में रखी हुई चाय एक बंद निकाय होती है, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं। विलगत निकाय आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक ऐसा निकाय जिसमें न तो द्रव्य और न ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसे विलगत निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा बंद थर्मस फ्लास्क होता है जिसमें गर्म चाय रखी होती है। गर्म चाय रखी होगी तो आप वहाँ पर देखेंगे इसमें से उष्मा का आदान प्रदान होगा ही नहीं, और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। इन तीनों के उदाहरण की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ऐसे हमारे पास ये बंद थर्मस फ्लास्क है, हम यहाँ पर तीन बनाएंगे और तीनों के थ्रू इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसे इनका फिगर होता है, राइट, और इन्हें इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे। चलिए ध्यान दीजिए, नहीं आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात क्या है। यहां पर हमने कोई पदार्थ रखा, उष्मा निकल रही है, हीटेड पदार्थ है, और द्रव्य भी वेपर के साथ बाहर निकल रहा है। तीनों सिस्टम हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई पदार्थ रखा गया है, लिक्विड पदार्थ, और ये भी हीट है। यहाँ पदार्थ रखा हुआ है और यहाँ से धीरे धीरे वेपर फ्राम में लिक्विड क्या होंगे, बाहर निकलते रहेंगे, और जो उष्मा होगी वो भी बाहर निकलती रहेगी। तो यहाँ पर खुला निकाय होगा जिसमें द्रव्य एवं उष्मा दोनों का आदान प्रदान हो। ये क्लोज्ड सिस्टम है, बंद निकाय है। यहाँ पर अगर आप कोई हीटेड लिक्विड पदार्थ रखते हैं तो द्रव्य का, उष्मा का आदान प्रदान होगा, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा, उसे बंद निकाय कहेंगे। ये हमने हीटेड लिक्विड पदार्थ रखा, ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा, और इसके अंदर से उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी,
राइट। जब इसके अंदर से उष्मा बाहर निकलेगी तो ये हीट होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर की उष्मा बाहर निकलती है, बट इसके अंदर का जो द्रव्य है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरे तरीके से बंद है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पर आप कोई हीटेड पदार्थ रखते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता उसे हम लोग विलगत निकाय आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हमने एक बंद थर्मस फ्लास्क लिया, हीटेड लिक्विड रख दिया, कुछ समय बाद आप खोलेंगे तो भी आप देखेंगे लिक्विड जो है, यदि हीट है तो हीट ही रहेगा, कोल्ड है तो कोल्ड ही रहेगा, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो बंद थर्मस फ्लास्क का बाहरी आवरण होता है उसमें इस प्रकार से कुचालक आवरण लगाए जाते हैं। यदि कुचालक आवरण है न तो अंदर की उष्मा बाहर जाएगी न तो बाहर की उष्मा अंदर आने पाएगी, राइट। तो इस प्रकार से जब पूरी तरीके से क्लोज्ड है तो उष्मा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विलगत निकाय। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री के बारे में, उष्मा गत की रसायन के बारे में। और यदि आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से कीजिए सब्सक्राइब, और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।